हाँ जी, क्या हाल है? सब बढ़िया? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कवासाकी निंजा 300 BS6 की, जिसकी डिमांड दो चार लोगों ने बहुत की थी। तो ये है बाइक की चाबी। आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे इसके इश्यूज एंड किसको ये बाइक लेनी चाहिए एंड क्यों लेनी चाहिए। बड़ी नॉर्मल सी की है इसकी, थोड़ी सी और प्रीमियम होती तो अच्छा रहता, बट चलो कोई बात नहीं, जो काम के लिए इसको बनाया गया है वो काम कर ही देती है। दो कीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें से एक आप घर में छुपा कर रखें, हो सकता है आपको बाद में कभी काम आ जाए अगर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कहीं खो दे या फिर टूट जाए, तो दूसरी वाली आप घर पे रखें। ये है कवासाकी निंजा 300 BS6 2021 मॉडल। इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं, लाइम ग्रीन, कैंडी लाइम ग्रीन एंड इबोनी नथिंग बट ब्लैक वन, जिसमें आपको सिंगल कलर मिलता है। चलते चलते आपको मैं बाइक का प्राइस एंड वॉक अराउंड चारों तरफ से दे देता हूँ। एक्स शोरूम प्राइस है 3,18,000 एंड ऑलमोस्ट 3.8 लाख इसका ऑन रोड पड़ेगा हैदराबाद में। एंड बाकी फुल डिटेल्स आपको चाहिए तो आप शोरूम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। दिखने में बाइक अच्छी है एंड बड़ी दिखती है। इसका जो साइड प्रोफाइल है वो 14R ZX14R से थोड़ा सा मैच करता है, अगर आप जो फेयरिंग में वेंट्स दिए गए हैं उनको देखोगे तो। एंड जो ओवरऑल लुक है वो निंजा 300 एंड 650 का थोड़ा थोड़ा सेम दिखता है। कलर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है एंड स्पेशली ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कंपनी बाइक्स पर मल्टीपल कलर ना दे तो बाइक और अच्छी लगेगी। जैसे कि इसमें कवासाकी ने ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट सब कलर का मिक्स दिया है, जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। दो कलर दे दो, एक कलर दे दो, मुझे लगता है कि वो कलर प्रोफाइल ये बाइक पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे दो कलर दे दिए। आपको सिस्टम कंट्रोल एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम कंट्रोल है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बातें करेंगे। सामने से भी आप एक बार देख लीजिए, जैसे मैं इग्निशन की ऑन करता हूँ तो इसकी पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी। इसमें भी आपको हेलोजन लाइट ही दी गई है, बट लाइट चाहे हेलोजन हो या LED, रोशनी पड़नी चाहिए रोड पर, जो मुझे लगता है कि ये लाइट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल राइड्स के टाइम पे। बट अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं नाइट के टाइम पर तो आफ्टर मार्केट लाइट्स इंस्टॉल करना ही बेहतर होगा। पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं जब आप इग्निशन ऑन करते हो एंड जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो वो टाइम पे लो बीम एंड पार्किंग लाइट जो है वो ऑन रहती है। उसके बाद में अगर आपको हाई बीम, लो बीम जो भी यूज़ करना है वो आपके चॉइस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सामने कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं गए हैं, इधर ये फ्रंट पार्ट में और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। डेली लाइफ में राइड करने के टाइम पर मिरर्स होना बहुत ज़रूरी है एंड मिरर्स इस बाइक के काफ़ी वाइड हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। जब आप बाइक पार्क कर देते हैं तो प्लीज़ ये मिरर्स को फोल्ड करके आप रख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर कहीं पब्लिक पार्किंग में आप इसको पार्क करते हैं वो टाइम पे ऑलवेज मिरर जो है उनको फोल्ड करके रख दीजिए। बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बाइक को टच करके जाते हैं, दूसरी बाइक से टच कर देते हैं, कार से टच कर देते हैं, तो ये थोड़ा महंगा सौदा हो जाएगा। इंडिकेटर भी आपको ओल्ड मॉडल में जो मिलते हैं सेम वही मिलते हैं। एक बार आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखा देता हूँ। इन इंडिकेटर्स की अच्छी बात यह है कि ये बॉडी पैनल्स में इंटीग्रेटेड हैं एंड अगर बाइक गिर जाती है या फिर बाइक कोई दूसरी गाड़ी से टच हो जाती है तो ये इंडिकेटर टूटते नहीं हैं। जब तक फेयरिंग नहीं टूटती तब तक इंडिकेटर्स नहीं टूटेंगे एंड अगर फेयरिंग डैमेज हो गई तो बड़ा खर्चा आता है ये बड़ी बड़ी बाइकों का। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। इसमें आपको 290mm का पेटल डिस्क मिलता है ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ, सामने का ब्रेक। कवासाकी की ब्रेकिंग हमेशा दमदार होती है एंड स्पेशली इस बाइक की और भी दमदार हो सकती थी अगर 300+ mm का डिस्क ब्रेक दिया जाता तो। एंड्योरेंस का पिस्टन कैलिपर आपको इसमें दिया जाता है, वैसे इसका हीट जो डिसिपेशन होता है वो काफ़ी अच्छा है। ड्यूल चैनल ABS आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिलता है, जिसको आप ऑब्वियसली स्विच नहीं कर सकते, मतलब आप ऑफ नहीं कर सकते। MRF के टायर इसमें दिए गए हैं। सामने का टायर जो है उसका साइज है 110/70, 17 inch का ट्यूबलेस टायर। एलो व्हील्स टोटली ब्लैक्ड आउट दिए गए हैं, जो ओवरऑल बाइक का जो कलर है उस पर काफ़ी अच्छा सूट करता है एलो व्हील का कलर। जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। 37mm का आपको सामने का टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन दिया गया है, जिसका ट्रेवल है 120mm। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, वो इसलिए है बिकॉज ये बाइक को आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो अगर सस्पेंशन स्टिफ रहता है तो बाइक काफ़ी स्टेबल फील कराती है। एंड साथ में आपको मिलते हैं फोर्क प्रोटेक्टर, जो मिट्टी के रोड पे या फिर कभी आप डस्ट वाली रोड पे या फिर कोई रोड ख़राब हो उस पे जब चलाते हो तो इसकी जो फोर्क सील होती है, ऑयल सील होती है, उसके अंदर कचरा नहीं जाए। साइड प्रोफाइल की बात करें तो फेयरिंग पर कवासाकी का नाम लिखा हुआ है एंड बीच में इधर निंजा 300 का स्टिकर लगाया गया है। ZX14R में जो फेयरिंग में वेंट्स दिए जाते थे साइड में, कुछ वैसे ही वेंट्स इसमें भी दिए गए हैं इंजन के साइड के पोर्शन में। अब आती है बात इंजन की, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है।
ये है 296 सीसी का लिक्विड कूल्ड BS6 फ्यूल इंजेक्टेड 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन, जिसकी पावर है 39 PS एंड टॉर्क है 26.1 Nm. इंजन नेक्स्ट लेवल है, रिफाइंड है एंड इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड 300 cc का इंजन है. नो वाइब्रेशंस एट ऑल फ्रॉम द इंजन एंड नो नॉकिंग इन द लोअर आरपीएम. इसमें ड्यूल थ्रोटल वॉल्व दिए गए हैं जो ZX10R में भी दिए जाते हैं. इससे होता यह है कि बाइक का जो पावर है वो लोअर से लेकर टॉप आरपीएम तक लीनियर रहता है एंड ड्यूल थ्रोटल वॉल्व एयर इनटेक का प्रिसाइज कंट्रोल देता है. इसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड हीट मैनेजमेंट दिया गया है. जो हीट डिसिपेशन होता है वो फेयरिंग के नीचे से होता है, जिसकी वजह से आपको सिटी में चलाने के टाइम पे ज़्यादा हीट फील नहीं होती है एंड चलाने के टाइम पे आपको दिक्कत भी नहीं होती है. एंड जो रेडिएटर फैन है वो रेडिएटर के एकदम से पीछे लगा है, जिसकी वजह से हॉट एयर नीचे की तरफ डायरेक्ट हो जाती है एंड राइडर को हीट ज़्यादा फील नहीं होती है. वैसे आपको बता दूं कि बड़ा सीसी का मतलब इंजन है, ट्विन सिलेंडर है, 2 सिलेंडर आपको इसमें मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत तो बाइक गर्म होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको चलाने में कुछ दिक्कत हो. अगर लोअर सीसी का इंजन होता है सिंगल सिलेंडर, वो कम गर्म होता है, लेकिन ये थोड़े बड़े इंजन है, ट्विन सिलेंडर है, थोड़े बहुत गर्म होते हैं. सुपर स्पोर्ट्स स्टाइल वाले एल्यूमिनियम फुट पैक्स दिए गए हैं, जिसका फील आपको तब आएगा जब आप इस पर स्पोर्ट्स राइडिंग हाई स्पीड पर करते हैं. नॉर्मली अगर आप सिटी में राइड करते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा रबर वाले फुट पैक्स. एग्जॉस्ट को ब्लैक कलर में दिया गया है, क्रोम हीट प्लेट ऊपर से दी गई है ताकि पिलियन अगर गलती से पैर भी रख दे एग्जॉस्ट पर तो पैर जलेगा नहीं. अब बात करते हैं पीछे के पोर्शन के बारे में. पीछे का जो टायर है वो है 140 सेक्शन का, जो थोड़ा वाइड दिखता है दिखने में एंड जिसकी वजह से आपको ग्रिप भी अच्छा मिलेगा, ब्रेकिंग अच्छी मिलती है. स्ट्रेट लाइन जो स्टेबिलिटी होती है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, स्पेशली आप हाई स्पीड पर जब जाते हो, आप जब टूरिंग करते हो. पीछे भी आपको MRF का टायर दिया गया है 140x70 17 इंच का. सामने भी आपको MRF का टायर ही मिलता है. पीछे सिंगल 220mm का पेटल डिस्क दिया गया है. जब भी आप ब्रेक यूज करो 70-30 का फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि पीछे वाला ब्रेक सिर्फ नाम का ब्रेक होता है, उसमें उतनी ज़्यादा पावर बाइक को रोकने की नहीं होती है. 70% सामने का ब्रेक आप यूज़ करो, जितना हो सके स्ट्रेट लाइन में ब्रेक लगाइए. 70% आप सामने का ब्रेक यूज़ करें, 30% पीछे का ब्रेक यूज़ करें, तो बाइक कभी गिरेगी नहीं एंड जहाँ पे आपको रोकना है वहीं पे बाइक रुक जाएगी. पीछे का सस्पेंशन थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीलोड एडजस्ट है, आप खुद अपना मैनुअल एडजस्ट नहीं कर सकते. मतलब जो कंपनी ने दिया है वही आप एडजस्ट कर सकते हैं. मैंने आज तक नहीं किया कोई भी बाइक का, अगर आपको करना है तो आपको ऑप्शन मिलता है. 132mm का ट्रेवल पीछे का सस्पेंशन का है. इंडिकेटर्स इसमें आपको नॉर्मल ही मिलते हैं एंड मेरे हिसाब से अब तो कावासाकी को इंडिकेटर्स का लुक और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये चलाने के टाइम पे बहुत हिलते हैं एंड अगर थोड़ा सा धक्का लग गया तो टूट भी जाते हैं. टेल लाइट एंड बैक का जो पोर्शन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, सब सेम ही दिया गया है जो आपको BS4 वेरियंट में दिया जाता था. साड़ी गार्ड जो मैंडेटरी है RTO रूल्स के हिसाब से, तो कावासाकी ने बड़ा सा साड़ी गार्ड दिया है जो 99% लोग निकाल देते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में. बट आई वुड सजेस्ट कि इसको निकालना मत अगर आप फीमेल पिलियन के साथ राइड करते हैं ज़्यादा, स्पेशली आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो. ओपन चेन किट है, जिसकी एवरी 500 किलोमीटर पे आपको मेंटेनेंस करनी है, जैसे कि ल्यूब करना है, क्लीन करना है. जब तक आपको चेन क्लीन एंड ल्यूब करना नहीं आता तब तक आप सर्विस सेंटर में करवा सकते हैं. जब आप बाइक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं 2-3 या 4 या 5 महीने, वो टाइम पे आप खुद इसका क्लीन कैसा करना है, इसको मेंटेन कैसा करना है, चेन को स्पेशली, वो आप सीख लें, आप 300-400 रुपये बचा ही लोगे. अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में. 6-स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है. स्लीपर क्लच का मतलब ये है कि सडन अगर आपने गियर डाउन किया, लेट से आप 5वें गियर में हैं, सडनली आप 3rd गियर में आ गए, तो पीछे का जो टायर है वो लॉक नहीं होता है. एंड असिस्ट क्लच हेल्प करता है एजी क्लच लीवर पुल करने में. क्विक शिफ्टर इसमें आपको मिलता नहीं है और मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ क्विक शिफ्टर की ज़रूरत पड़ेगी. गियर शिफ्ट स्मूथ है, मैंने BS4 3-4 बार चलाई थी एंड जब इसका टेस्ट राइड अवेलेबल होगा BS6 का, तब आपको टेस्ट राइड करके एक वीडियो बना के मैं दिखा दूंगा. बट अगर पावर की बात करूँ तो लोअर RPM में मुझे लगता है कि थोड़ा लैग करती है बाइक एंड पावर जो है वो लीनियर है मिड एंड टॉप RPM में. अब बात करते हैं कम्फर्ट की. सीट हाइट है इसकी 780mm, सीट काफ़ी वाइड है, मीडियम है, ना तो सॉफ्ट है ना हार्ड है. ड्यूरिंग के टाइम पे आपको मोस्ट प्रोबेबली aftermarket सीट नहीं लगवानी पड़ेगी एंड अगर आप लगवाना भी चाहते हो तो 2-3 हज़ार में आपको जेल सीट मिल जाएगी. अगर आपकी हाइट 5.2 एंड उससे ज़्यादा है तो आप निंजा 300 को आराम से चला सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि सीट हाइट 780mm है. शॉर्ट हाइट वाले राइडर्स भी इसको बड़े आराम से चला सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि बाइक लेते टाइम पर सीट हाइट को ज़रूर ध्यान में रखें, नहीं तो आपके पैर हवा में ही लटकते रह जाएंगे. पिलियन सीट अगर मैं कंपेयर करूँ यामाहा R3 या बेनेली 302 से तो ये वाली बेटर है. बट अगर आप लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करते हैं तो सोलो राइड ही करें तो ठीक होगा. 150 से लेकर 200 किलोमीटर आप पिलियन के साथ राइड कर सकते हैं बिना किसी इशू के.
ग्रैब रेल से कावासाकी को कुछ ज़्यादा ही प्यार है। इतना बड़ा ग्रैब रेल दिया है कि आप पिलियन को बांध सकते हैं बाइक पर। आज तक मैंने जितने भी राइडर्स निंजा 300 पर देखे हैं सब ने ग्रैब रेल को हटा दिया है। जैसे ही बाइक लेते हैं वो लोग हटा देते हैं। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि टूरिंग के टाइम पे आप ग्रैब रेल रखें बाइक के ऊपर, क्योंकि जब आप पिलियन को लेके जाते हो तो वो टाइम पे उनके लिए ईजी रहता है। अगर आप हाई स्पीड करते हो, जैसे आप हाईवे पे चलाते हो 100-120 की स्पीड पे, तो वो टाइम पे जो पिलियन है उसके लिए ग्रैब रेल काफ़ी मदद करते हैं। तो बाकी दो बोल्ट और नट आते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, आप इजीली 5 मिनट में हटा सकते हैं, 5 मिनट में लगा सकते हैं। 17 लीटर का पेट्रोल टैंक है, काफ़ी है स्पेशली जब आप लॉन्ग राइड्स करते हो। माइलेज आपको मिल सकता है अराउंड 24 से लेकर 25 के एमपीएल सिटी के अंदर, 28 से लेकर 30 के एमपीएल हाईवे पर। सो आप आराम से 400 प्लस किलोमीटर जा सकते हैं एक बार टैंक फुल करने के बाद में। पेट्रोल आप कंपनी जो रिकमेंड करती है वही फिल करवाएं, नहीं तो एवरी 4 to 5,000 किलोमीटर पे आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीन करानी पड़ेगी एंड इंजन रफ फील करेगा अगर आप बार बार पेट्रोल चेंज करते हो। सो पेट्रोल आप थोड़ा हाई ऑक्टेन का फील करें एंड हो सके तो एक ही पेट्रोल पंप से फिल करवाएं। बाइक का वेट है 179 किलो, जो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, उतना ज़्यादा भी नहीं है एंड उतना कम भी नहीं है। लेकिन बाइक की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, स्पेशली स्ट्रेट लाइन स्पीड जब आप करते हो हाईवे पे। ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इंडियन रोड्स के लिए 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कम ही है एंड स्पेशली जब आप पिलियन के साथ राइड करते हो उस टाइम पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा स्पीड ब्रेकर्स एंड बैड रोड्स पर। सिस्टम कंट्रोल आपको एनालॉग एंड डिजिटल मिलता है। जैसा ही ऑन करोगे इग्निशन आरपीएम फुल स्वाइप करेगा, बट चलाने के टाइम पर पूरा स्वाइप नहीं करेगा बिकॉज फॉर श्योर 15,000 आरपीएम तक ये बाइक नहीं जाती है। इसमें आपको गियर इंडिकेटर मिसिंग है, बाकी सब कुछ आपको मिलता है जैसे ट्रिप ए ट्रिप बी, ऑडोमीटर रीडिंग, क्लॉक, फ्यूल का इंडिकेशन, एबीएस लाइट, इंडिकेशन की लाइट एंड जो न्यूट्रल की लाइट, जो नॉर्मल आपको मिलता है वो सब आपको इसके अंदर मिलेगा। अब इतना खर्चा किया है तो गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड फ्यूल इकोनॉमी भी ऐड कर सकता था कावासाकी, और अच्छा होता स्पेशली न्यू राइडर्स के लिए। काफ़ी ईजी होता है अगर गियर पोजिशन इंडिकेटर दे दिया गया होता। हैंडल बार पर जो स्विचेस है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड प्रीमियम फील भी देती है। क्लच लीवर का पुल भी लाइट है ड्यू टू स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। बार बार अगर आप गियर चेंज करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट साइड में हैंडल बार पर पास हाई लो बीम इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच दिया गया है। हॉर्न भी आपको एक बार सुना देते हैं। हैंडल बार काफ़ी वाइड है एंड अपराइट है। सीटिंग पोस्चर एकदम से अपराइट है एंड थोड़ा ज़्यादा ही अपराइट है, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छा है, बट जो बाइक का लुक्स है स्पोर्ट्स टूरर वाला उसके हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव सीटिंग होना चाहिए था, एटलीस्ट थोड़ा सा जैसा यामा R3 में आपको मिलता है। राइट साइड में इंजन को मारने का मतलब इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया गया है। किक स्टार्ट तो बचपन से ही इसमें नहीं आता था। अब बात करते हैं कि ये बाइक में आपको क्या दिक्कत हो सकती है या फिर क्या इसमें अपग्रेड किया जा सकता था BS6 वेरिएंट में। ये पॉइंट्स मैंने बहुत सारे लोगों के ओनरशिप रिव्यू देखने के बाद में रेडी किए हैं आप सब लोगों के लिए, ताकि अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। सो पहला पॉइंट है इनिशियल पिकअप। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग कंप्लेंट करते हैं कि जो इनिशियल पिकअप है लोअर आरपीएम में वो थोड़ा कम है, थोड़ा लैग करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम है, बट मिड रेंज एंड टॉप जो आरपीएम होता है उसमें बाइक बहुत अच्छा पुल करती है एंड मेरे हिसाब से 180-185 किलोमीटर पर आवर की आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है टायर्स। नॉर्मल बाइक में भी मिल जाते हैं MRF के टायर। जब आप 3-3.5 लाख रुपए की बाइक लेते हो तो कुछ बेटर टायर मिल सकते थे जैसे कि मिशलिन, तो इसमें आपको MRF के टायर मिलते हैं। अगर आप चेंज करते हो उनको MRF के टायर को तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी के लिए जो प्रीमियम सेगमेंट में आती है उसके लिए MRF के अलावा कुछ बेटर टायर हो सकते थे। इसका मेंटेनेंस 6,000 किलोमीटर्स की सर्विस इंटरवल में 300cc की बाइक के लिए आपको 4,000+ सर्विस कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। विंडशील्ड स्पोर्ट्स टूरिंग में ये बाइक आती है, लेकिन विंडशील्ड की हाइट थोड़ी छोटी है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप 100+ की स्पीड पर चलाते हैं तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो या तो आप आफ्टर मार्केट कुछ विंडशील्ड लगा सकते हैं एंड या फिर सेम विंडशील्ड के साथ अगर आप टूरिंग करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं पिलियन सीट की। अब इसकी जो पिलियन सीट है वो थोड़ी छोटी है एंड नॉट गुड फॉर पिलियन, स्पेशली अगर आप 200+ किलोमीटर की राइड करते हैं तो वो टाइम पे ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगला वाला पॉइंट है इसका ग्रैब रेल। ये ग्रैब रेल इतना बड़ा है कि बाइक का जो लुक्स है उसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, थोड़ा ओड दिखता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग ओनर्स जो है बाइक लेने के बाद में उसको निकाल देते हैं। अगला पॉइंट है अपना नो गियर इंडिकेटर। आजकल 150cc 125cc की बाइक में गियर इंडिकेटर दिया जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर ये बाइक में आपको नहीं मिलता है, जो मुझे लगता है कि कावासाकी को ऐड कर देना चाहिए था BS6 के साथ।
अगला पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 140 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है, स्पेशली अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो। इंडियन रोड्स के लिए 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। यामा R3 में मेरे हिसाब से 160 या 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ये हो गई कुछ चीज़ें जो अपग्रेड की जा सकती थी। अब बात करते हैं कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ें क्या है जिसकी वजह से आपको ये बाइक को कंसिडर करना चाहिए। तो इसका जो इंजन है वो बहुत रिफाइंड है, ये मेरा पहला पॉइंट है। इट्स वेरी रिफाइंड जापनी इंजन है, रिलायबल है। दूसरा पॉइंट है बेटर सीट हाइट। सीट हाइट आप कोई भी आपकी हाइट है, जैसे राइडर की हाइट 5.2, 5.3, इवन 6 फीट है, तो भी आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो। स्मूथ इसका गियरबॉक्स है, गियरबॉक्स बहुत स्मूथ है। असिस्टेंट स्लिपर क्लच आपको मिलता है। जब आप ट्रैफिक में इसको राइड करते हो तो आपको बार बार अगर क्लच दबाना होता है, क्लच लीवर को पुल करना होता है, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है। अगला पॉइंट है वेरी स्टेबल ऑन हाई स्पीड्स। अगर आप 100 प्लस की स्पीड कर रहे हो, 130, 140 भी कर रहे हो, तो बाइक बहुत स्टेबल है। इट्स वेरी वेल प्लांटेड। अगला पॉइंट है मेरा बेस्ट इन क्लास सीट एंड सीटिंग पोस्चर। सीट बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से आपको आफ्टर मार्केट सीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, स्ट्रेट अपराइट है। अगर आप टूरिंग के लिए ये बाइक को लेना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है। सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, स्ट्रेट अपराइट है, जैसे आप एक स्ट्रीट फाइटर या एक नेकड बाइक पे आप बैठते हो, वैसा इसका सीटिंग पोस्चर है। अगला मेरा पॉइंट है ये जो बाइक है ना, ये एक बड़ी बाइक का फील देती है। जैसे आप एक 700 या 800 या 600 cc की बाइक पे बैठे हो, ये बाइक बड़ा फील देती है। तो इट लुक्स वेरी बिग बाइक। ग्रेट हैंडलिंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में बहुत अच्छा हैंडल करती है। वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, 179 किलो इसका वेट है। अगर आप एक अच्छे राइडर है, बाइक को एक 6-7 दिन चलाने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ट्रैफिक में, इसको चलाने में अच्छे से हैंडल करती है। मेरा लास्ट पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी इन द प्राइस एंड इंडियन सीसी सेगमेंट। दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। आप सिटी में राइड कर सकते हैं आराम से, आप टूरिंग पे लेके जा सकते हैं, वीकेंड राइड कर सकते हैं, डेली आप ऑफिस लेके जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे यामा R3 के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है, आएगी या नहीं आएगी। सो अगर वो आती है तो इसका कॉम्पिटिशन वही बन सकती है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी बाइक इसके साथ कम्पीट कर सकती है ये प्राइस एंड इसका जो इंजन सीसी सेगमेंट में। तो ये सब पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है कोरोना के टाइम पे बाहर जाके वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे सीधा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, जो बाइक का कलर है वो कैसा लगा, एंड आप ये बाइक को लेना प्रेफर करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। नए लोग हैं मेरे चैनल पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको सभी नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।